नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि जुलाई 2024। चंद्र के घर की राशि कर्क राशि बहुत ही अभी बढ़िया चल रही है, बहुत ही सुंदर राशि में गुरु महाराज का परिभ्रमण हो रहा है। गुरु आपकी राशि में यहाँ 11th हाउस में भ्रमण कर रही है। देखिए, गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे शुभ ग्रह है और आपकी राशि का भाग्य का स्वामी भी है। जब भाग्य का स्वामी 11th हाउस में जाके बैठता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ शनि की पोजीशन देखते हैं तो शनि आपका यहाँ 8th हाउस में बैठा है, अष्टम स्थान में। तो यहाँ का शनि आपको ढैया मतलब छोटी पनौती जिसको बोलते हैं उसका निर्माण करके बैठा हुआ है। तो यहाँ जो जुलाई महीना है उसमें ग्रहों की चाल कैसे रहने वाली है, देखिए यहाँ जो मंगल बैठा है, अभी मंगल मेष राशि में चल रहा है, इतना बढ़िया मंगल, लेकिन यहाँ मंगल पूरा डाउन हो गया है क्योंकि शनि की नज़र में मंगल महाराज बैठे हैं। 1, 2 और 3, तीसरी नज़र जब मंगल के ऊपर शनि की पड़ती है वो भी नीच की मेष राशि का, तो यहाँ नुकसान, घाटा, डर, अननोन फियर, फायर से लगती चीज़ों के बनाव बनना, बिजनेस के अंदर, काम के अंदर आपकी गाड़ी वाहन व्हीकल्स ठुक जाना, कहीं ना कहीं आपको लग जाना, कोई ऐसे इंसिडेंट बनना जो पुलिस से खाते से लेकर कोई समस्या प्रॉब्लम आपको यहाँ उनसे लगती चीज़ों में देखने को मिल सकते हैं और मिले होंगे, क्योंकि अभी यहाँ से मंगल राशि अभी परिवर्तन करने वाले हैं। 12/7 को मंगल महाराज मेष राशि को छोड़ के शुक्र के घर की वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। ये मंगल आपको बहुत बढ़िया यहाँ साबित होने वाला है, लेकिन यहाँ का मंगल इतना स्वग्रही होने के बावजूद भी यहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या दे के गया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ी यहाँ राहत आपको मिलेगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा मिलेगी जब मंगल 12/7 को यहाँ आ जाएंगे। ऑलरेडी सूर्य, बुध और शुक्र ये तीन प्लैनेट्स यहाँ भ्रमण कर रहे हैं 12th हाउस में। 12वां स्थान होता है कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, कर्जा, नुकसान, अपयश, बदनामी, जेल गमन, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ आपको सब प्रॉब्लम देखने को मिले होंगे, जैसे जैसे आपकी कुंडली की रेंज कैसी है, आपके जन्म के ग्रह कैसे है, उसके हिसाब से यहाँ फिर भी प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा देखने को मिला होगा। यहाँ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य यहाँ निकल जाएंगे 15 जुलाई को, सूर्य यहाँ बॉडी पे आ जाएंगे। जब यहाँ सूर्य आएंगे तो थोड़ी नहीं ज़्यादा राहत होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य बहुत खराब फल देते। उसके बाद बुध भी यहाँ आ जाएंगे, वो भी 19/7 को, 19/7 को, फिर उसके पहले शुक्र आएंगे, शुक्र 7/7 को जुलाई को कर्क राशि में आएंगे। मतलब सभी प्लैनेट्स 12th हाउस से निकलकर जहाँ चंद्र के ऊपर आएंगे, आपके बॉडी के ऊपर आएंगे, फिर आपको रिलैक्स महसूस होगा। यहाँ चंद्र पूरा आपका पीड़ित था, चंद्र अकेला हो गया था, कोई सपोर्ट नहीं, अननोन फियर, डिजीज होना, बीमारी होना, अननोन फियर हो जाना, डर लग जाना, भय लग जाना, एंजाइटी हो जाना, ये सब चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिली होगी। लेकिन जैसे जैसे ये तीनों प्लैनेट्स यहाँ आएंगे और मंगल भी यहाँ चेंज हो जाएगा 12/7 को और गुरु मंगल का यहाँ महालक्ष्मी योग होगा, ये थोड़ा आपके लिए एक अच्छा पॉइंट बनेगा। यहाँ जो अनमैरिड व्यक्ति पर्सन है कर्क राशि वाले, उनकी शादी ब्याह के रिश्ते ये जुलाई महीने में बनने के पूरे आसार है। कोई ना कोई शादी से लगती चीज़ों में मैटर अचानक आपके सामने आ जाएगी। जो भी बेटे बेटियाँ अपने बाकी है शादी के लिए, उनके लिए ये खुशी के समाचार है कि इस साल कर्क राशि वाले जितने भी है उनकी शादियाँ हो जाएगी, उनकी शादी के अच्छे रिश्ते सामने से आपको प्रपोजल आएंगे। तो ये जैसे जैसे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर जाएगा उसके बाद ही शादी के योग के लिए आप आगे बढ़ना, उससे पहले मत बढ़ना, क्योंकि यहाँ गुरु अपना रोल अदा करेंगी। गुरु खुद यहाँ बैठ के खुद सप्तम स्थान को देखेंगे अपनी नवम नज़र से,
तो ये एक अच्छा राजयोग यहाँ बनने जा रहे हैं। लेकिन ये टाइम के अंदर, जुलाई महीने के अंदर अंदर, अगस्त से पहले पहले, 20 अगस्त से पहले पहले, शादी ब्याह के वक्त चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति पर्सन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्टडीज से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे, तो उनके स्टडीज में अभी एक अच्छे न्यूज़ आएंगे। आपका मन कहीं भटक रहा होगा तो वहाँ अब स्टेबिलिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी और पढ़ाई में आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके कर्क राशि है अगर आपकी माता पिता की, तो आपके बच्चों की यहाँ शादी होने वाली है, उनसे खुशी के समाचार आपको यहाँ मिलने वाले हैं, ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लक्की नंबर्स निकाले हैं, 5, 8, 12 और 34 लकी डेट्स, 12, 17, 26 और 30। ये नंबर्स से आप अपने लॉटरी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें यूज़ कर सकते हो। जो लकी नंबर है, ये लकी डेट है, ये लकी डेट के अंदर आप अपने लॉटरीज वगैरह ले सकते हो, कोई अच्छे मीटिंग्स वगैरह काम में जा सकते हो, कोई अच्छे आप कामकाज में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कोई अच्छे रिजल्ट ये दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई अच्छा प्लानिंग है आपका, तो ये डेट्स में आपको करना चाहिए। 12, 17, 26 और 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स है कर्क राशि वालों के लिए। आपको क्रीम, येल्लो, मरून, ये तीन कलर ये महीने में ज़्यादा रखने चाहिए, इससे आपको अच्छे एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखने जाएंगे तो कर्क राशि जुलाई महीने के अंदर रिलीफ होती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे ये मंगल यहाँ 12-7 को आएगा, फिर ये तीन प्लैनेट्स यहाँ आएंगे, थोड़ा चंद्र को बल मिलेगा, चंद्र थोड़ा स्ट्रांग होगा। और ये आपके लिए एक अच्छे न्यूज़ है कि 29 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो शनि जब वक्री होंगे तो वो आपके लिए एक अच्छे न्यूज़, मतलब एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से आएंगे, अच्छे न्यूज़ वहाँ से आएंगे। शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा माना जाएगा, इसके लिए अलग बात करेंगे, अलग चर्चा करेंगे शनि वक्री के लिए। ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये महीना बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा आपको धन वैभव से लगती चीज़ों में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल और गुरु का यहाँ माँ लक्ष्मी योग बन रहा है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।